व्यूर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अलकबीर टाउन फेज टू से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रीट व्यू करवाऊंगा ओवरऑल अलकबीर टाउन फेज टू के, ए ब्लॉक का, बी ब्लॉक का और सी ब्लॉक का ओवरऑल आज की वीडियो में स्ट्रीट व्यू करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सी डी पी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अलकबीर टाउन फेज टू से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रीट व्यू करवाऊंगा ओवरऑल अलकबीर टाउन फेज टू के, ए ब्लॉक का, बी ब्लॉक का और सी ब्लॉक का ओवरऑल आज की वीडियो में स्ट्रीट व्यू करवाऊंगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि अभी यहाँ पे क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है, आप इन तीनों में से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़, और ओवरऑल अभी यहाँ पे क्या करंट रेट्स चल रहे हैं, और इसके नियर बाय आपको, इन तीनों ब्लॉक्स के नियर बाय आपको क्या बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको रेट्स के हवाले से अपडेट करते चलूँ, तो अभी यहाँ पे जो करंट रेट्स चल रहे हैं तीन मल्ला कैटेगरी के प्लॉट्स के, वो तकरीबन 45-48 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 55 लाख रुपये तक यहाँ पे जो अभी करंट रेट्स चल रहे हैं तीन मल्ला कैटेगरी प्लॉट्स के, डिपेंड ऑन लोकेशन यहाँ पे प्राइसेस हैं। और डेवलपमेंट स्टेटस की अगर बात करूँ, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, और ये वो ब्लॉक है जिनको मेन रेवन रोड से डायरेक्ट अप्रोच है। जी हाँ व्यूअर्स, ये वो ब्लॉक है जिनको मेन रेवन रोड से डायरेक्ट अप्रोच है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एक मस्जिद मौजूद है जो कि फंक्शनल है ए ब्लॉक में, उसी के बिल्कुल साथ यहाँ पे बड़ा खूबसूरत पार्क है। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, मैक्सिमम यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर घर वगैरह बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ही सेम स्नैरियो जो आपको सी ब्लॉक में मिलेगा और बी ब्लॉक में मिलेगा, इसी तरह से करंट जो डेवलपमेंट स्टेटस दोनों तीनों ब्लॉक्स में जो है वो काफ़ी बेहतर है, और तीनों ब्लॉक में ही कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत ही बेहतरीन है। मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई भी है, बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट्स यहाँ पर खाली हैं, फॉर सेल के लिए भी बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट्स यहाँ पर आते हैं, और अक्सर बिल्डर हजरात इन एरियाज को कंसिडर करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़, और कमिंग फ्यूचर घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको फॉर सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, तो वो इन तीनों ब्लॉक्स को स्पेसिफिकली इसीलिए कंसिडर कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एरियाज जो है वो ये मैक्सिमम पॉपुलेटेड है, ना सिर्फ मैक्सिमम पॉपुलेटेड है, इन तीनों ब्लॉक्स की अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। उसकी वजह यह है कि इनको डायरेक्टली जो है वो मेन रेवन रोड से एक्सेस दी गई है। जैसे ही आप मेन रेवन रोड से अलकबीर टाउन फेज टू के अंदर एंटर होते हैं, तो एंटर के होते ही बिल्कुल राइट साइड पर सबसे पहले आपको जो अप्रोच मिलती है वो ए ब्लॉक की मिलती है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक आपको मिल जाता है ए ब्लॉक के बाद, और उसी के साथ बिल्कुल आपको जो है वो सी ब्लॉक की डायरेक्टली जो है वो अप्रोच मिल जाती है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले ये तीनों ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, सारे के सारे ऑन ग्राउंड डेवलप्स यहाँ पे आपको प्लॉट मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, और आपका अगर माइंड है मेन रेवन रोड की किसी बेहतर सोसाइटी में एक बेहतर अप्रोच के साथ, नियर बाय फैसिलिटीज़ आपको बेहतरीन मिल जाएँ, और लो बजट में आप किसी बेहतर सोसाइटी में तीन मल्ला कैटेगरी का प्लॉट अगर परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अलकबीर टाउन फेज टू के इन तीनों ब्लॉक से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि उनकी वजह यह है कि ना सिर्फ इसमें बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी बेहतर है, और ओवरऑल कम्युनिटी जो ओवरऑल सबसे जो है वो बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर बजट में आपको अगर तीन मल्ला कैटेगरी के लिहाज से किसी बेहतर सोसाइटी को कंसीडर करना चाहिए, तो वो अलकबीर टाउन है, और अलकबीर टाउन में जो स्पेसिफिक ब्लॉक्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल ना सिर्फ बेहतर है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं, जिसमें पार्क, मस्जिद और ओवरऑल पार्क, मस्जिद और कमर्शियल मार्केट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको जाओ नियर बाय मिल जाता है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप एक बड़े मुनासिब बजट में रहते हुए ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं, और कमिंग फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे रह भी सकते हैं, और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका कोई साल दो साल का माइंड है इन्वेस्टमेंट करने का, तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक या सी ब्लॉक में अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों बाद यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश किया कि स्पेसिफिकली आपको बेहतर तरीके से ओवरऑल अलकबीर टाउन फेज टू के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक टॉप के ब्लॉक्स हैं, इनका आपको विजिट करवाया जा सके, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके और आपको अपडेट कर सकें यहाँ पर करंट कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के बाद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो अलकबीर टाउन से रिलेटेड, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdblestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।